वेलकम टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज़ गौरव। दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं जितनी भी जॉब की अपडेट्स लेकर आता हूं, मैं आपकी रिक्वेस्ट पर लेकर आता हूं। अगर आपके भी मन में कोई जॉब है, जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं वो अपनी क्वालिफिकेशन और अपना स्टेट कमेंट बॉक्स में मैंशन करके रखें, ताकि मैं उनकी क्वालिफिकेशन और स्टेट को लिख सकूँ। और जैसी कोई अपडेट आती है, जैसी कोई वैकेंसी की अपडेट आती है उनकी क्वालिफिकेशन और स्टेट के अकॉर्डिंग, सो मैं उस पर वीडियो बना सकूँ। सो बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा दोस्तों। मैं सबके लिए जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है तो मैं जॉब के अपडेट लाने की पूरी कोशिश करता हूँ। सो दोस्तों, मेरे पे थोड़ा समय कम है तो इसलिए मैं डेली वीडियो नहीं डाल पाऊँगा। एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो डालूंगा। सो लेकिन मैं नेक्स्ट मंथ से कंटिन्यू करूँगा, नेक्स्ट मंथ से जो है डेली वीडियोज़ डालूंगा। अभी मैं आपके लिए एक दिन छोड़ के एक दिन आपके लिए वीडियोज़ डालूंगा। सो इस वीडियो में मैंने आपके साथ पूरी डिटेल शेयर की है। आपको मैंने दो नोटिफिकेशन के लिंक दिए हैं। एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, जिसमें आपको फॉर्म का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। और एक जो है आपको नोटिफिकेशन का लिंक मिलेगा जिसमें पूरी डिटेल्स होगी। सो वो दोनों आप जो है लिंक पे क्लिक करके देख लेना। सो इसमें हम बात कर रहे थे पोस्ट नेम की, तो डायरेक्ट जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट है, तो थोड़े बड़े लेवल की पोस्ट है दोस्तों। सो BSNL रिक्रूटमेंट 2017 भारत संचार निगम लिमिटेड। आप जानते होंगे दोस्तों, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है BSNL क्या है। सो बढ़ते हैं आगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखाई देगा सब्सक्राइब का, इस पर क्लिक कीजिए। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके राइट हैंड पे एक बेल आइकन भी आएगा, इस पर भी क्लिक कीजिए। इन दोनों पे क्लिक करने से आपसे एक भी लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा। दोस्तों, हम अपने हर वीडियो में बोलते हैं सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। ऐसी हमारी एक भी वीडियो नहीं है जिसमें हम नहीं बोलते, और ना ही फ्यूचर में होगी, हम नहीं बोलेंगे। सो दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे गलती ना हो, आप जो है लास्ट डेट से पहले जॉब का फॉर्म फिल कर पाएँ। सो बढ़ते हैं आगे डिटेल्स की ओर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूंगा, तो लास्ट डेट अप्लाई करने की 15/10/2017 है। ये जो जॉब है, आप ऑल इंडिया में कहीं भी रहते हो, किसी भी स्टेट में रहते हो, आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो लोकेशन है वो भी ऑल इंडिया में आपकी कहीं भी हो सकती है, आपको कहीं भी जो है पोस्टिंग दी जा सकती है। फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो फ़ी थोड़ी ज़्यादा है, तो अनरिजर्व और OBC के लिए 1000 रुपये रखी है इन्होंने, SC ST के लिए 500 रुपये रखी है। तो दोस्तों, अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हैं, आपको जो है आप तैयारी कर सकते हैं, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कीजिए। लेकिन पोस्ट बहुत अच्छी है, सैलरी भी बहुत अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं। एज लिमिट की बात करें तो इन्होंने मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 30 साल रखी है एज ऑन 1/1/2017 को। एज रिलैक्सेशन भी दिया है इन्होंने, SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, फिजिकली हैंडीकैप के लिए 10 साल। सो वो जो नोटिफिकेशन मैं जिसकी बात कर रहा था वो भी आप एक बार देख लेना। उसके बाद बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स की, तो पोस्ट नेम मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, तो डायरेक्ट जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 996 यानी 996 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 497, OBC के लिए 269, SC के लिए 153 और ST के लिए 77। सैलरी बहुत अच्छी सैलरी है, तो 16,400 रुपये से 40,500 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी है इन्होंने, कैंडिडेट्स मस्ट होल्ड MCOM या फिर मस्ट क्वालिफाई CA या ICWA और CS फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट इन ऑर्डर टू फुलफिल दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो अगर आपकी इस तरीके की क्वालिफिकेशन है तो आप इसको ज़रूर जो है अप्लाई कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों ऐसी डिपार्टमेंट में जो है जॉब बहुत कम निकलती है। तो इसलिए आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एलिजिबल हैं और आप प्रिपेयर कर सकते हैं तो आप इसका फॉर्म ज़रूर फिल कीजिए। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्म की, तो फॉर्म का लिंक आपको हमेशा की तरह मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज ओपन होगा ऐसा। आपको क्या करना है कि आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, अगर आप फर्स्ट टाइम इस पर विजिट कर रहे हैं। अदरवाइज़ आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो आप जो है अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड डालिए और एंटर करके आप फॉर्म इजीली फिल कर सकते हैं। सो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप उस न्यू रजिस्ट्रेशन पे यानी क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 5 ऑप्शंस आएंगे। आपको पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करने पड़ेगी, फ़ोटो एंड सिग्नेचर भी है इसका जो आपको अटैच करने पड़ेंगे, डिटेल्स, प्रीव्यू, आप यानी फॉर्म को एक बार देख सकते हैं,
अपलोड कर सकते हैं चीज़ें और उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। सो बहुत ही ईजी फॉर्म है फिल करना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी तरीके से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सो दोस्तों थैंक यू सो मच हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं और जॉब के अपडेट्स पाना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।